Hey everyone, welcome back to the channel. Mera naam hai Nikhil, you're watching Traveling Times and good evening from Leh. Today we are in Leh and I'm staying in Ghost Stops. I had come here yesterday evening around, it was late around 8 o'clock. So I was very tired, so fir maine apna kya kehte hain, bus rest kiya because kehte hain ki yahan pe air ki wajah se less of air, you should not do too many things once you come. So I just relaxed. So abhi main Ghost Stops में रह रहा हूँ एंड दिस इज़ द रिसेप्शन ऑफ द Ghost Stop एंड द लेडी एट द रिसेप्शन आयशा, शी इज़ ऑल्सो हियर, आई जस्ट इंट्रोड्यूस टू हर ऑल्सो एंड वील आस्क कर कि यहाँ पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं एंड देन वील गो देयर, लेट्स गो. सो गाइस, लेट्स मीट आयशा एट द रिसेप्शन, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ Ghost Stops. हे आयशा, हाउ आर यू? आई एम फाइन. दिस इज जस्ट अ स्मॉल दिस थिंग फॉर द व्लॉग. इफ समबडी इज कमिंग टू ले एंड ही इज स्टेइंग इन Ghost Stops, so what is the best way to reach here? यहाँ पे आप वहाँ पे आपको कैब मिल जाएगी, आप यहाँ आ सकते हो, कैब से आ सकते हैं, कैब के थ्रू आ सकते हो आप. आप अगर बाइक ट्रिप कर रहे हो तो बाइक के थ्रू भी आ सकते हो. Okay, and you were born in Leh itself? You from Leh itself or you from some other place? No, मैं किसी और जगह. किसी और जगह से. And this is a friend. What's your name? Hello, my name is Prisla Tama. Prisla Tama. Yes. And you also from outside or are you from Leh? I'm from Assam. Assam, very nice, very good. So, आज अगर if you want to go out, तो what is the best place to visit अभी? अभी तो अभी आप इस time पे तो आप sunset point जाइए. Where is this? एक आप Leh Palace जा सकते हैं. Leh Palace. शांति स्तूपा जा सकते हैं. शांति स्तूपा. हाँ जी. Okay. चलो, see you girls in the evening. Thank you. Bye bye. Bye. So this was Aisha and her friend. So guys, let's move forward and चलते हैं Leh sightseeing. This is the way. ये petrol pump है चुबली में. एंड यहाँ से रास्ता है फॉर द Ghost Stop, अपना हॉस्टल एंड दिस इज़ द बिल्डिंग. द बिल्डिंग ओवर देयर, दैट्स Ghost Stop. सो अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर. वी हैव टू गो हेयर डाउन हिल, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. तो चलते हैं नीचे. वी आर गोइंग टू द सिटी सेंटर, तो वहाँ पे देखते हैं क्या चहल पहल लगी हुई है. दिस ऑल डाउन हिल जैसे मैंने आपको बताया था. एंड वी गोइंग टू द सिटी सेंटर फर्स्ट. सिटी सेंटर में देखते हैं क्या चहल पहल लगी हुई है एंड फिर उसके बाद फिर आगे विजिट करेंगे, बिकॉज कल का प्रोग्राम बन रहा है ऊपर जाने का, नूबरा वगैरह, नूबरा और पेंगोंग लेक. सो लेट्स सी अभी क्या फाइनल प्रोग्राम बनता है. लेट्स गो टू द सिटी सेंटर. अभी हॉस्टल से बाहर निकला ही था, जो सॉ स्मॉल डिपार्टमेंट स्टोर. हाय, हाउ आर यू? थैंक यू. एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? यू बी बॉर्न हियर ओनली, so you will be the right person to tell me what is the best place to go except the city center. The city center, main market and Leh Palace. Leh Palace, yeah. What's that? That you hina raja ki mahal. Okay. Haan ji. And where is the palace? There's some palace also over here. Yeah, palace here. Where is the palace? This is that is Chhota Palace. Oh, that one. Yeah. Okay, that's the palace. Yeah. Leh Palace. Okay. That is Ladakh Leh Palace. Okay. एंड यहाँ पे शॉप्स यूजली कितने बजे खुल जाती हैं सुबह? मॉर्निंग 6 7 7 AM टू इवनिंग 9 PM. 9 PM या मेन मार्केट है. मेन मार्केट, ओके. एंड यू हैव मोस्टली आई वाज जस्ट लुकिंग एट लॉट ऑफ थिंग्स इन द शॉप. या हाउ इज द रिस्पांस इन ऑल? या हिंदी में बोलिए. टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं आप लोगों के पास? बहुत आते हैं टूरिस्ट. हां जी, टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं आप लोगों के पास? हां जी, टूरिस्ट बहुत आते हैं. अच्छा, हां जी. चलो, आई विल कम ऑन द वे बैक. आई हैव टू पिक टू थिंग्स. थैंक यू, थैंक यू सो मच. बाय. सो शी वाज द ओनर ऑफ अ डिपार्टमेंट स्टोर. ऐसे लोगों से चलते चलते मिलते रहो, बातें करते रहो, अच्छा लगता है. हमें भी एटलीस्ट जगह की नॉलेज होती है. सामने शी सेइंग द इट्स अ किंग्स पैलेस, सो वील ट्राई टू विजिट दैट ऑल्सो. सामने जो आपको दिख रहा है, दैट्स द किंग्स पैलेस, बट डजंट लुक लाइक वन. दिस इज हेरिटेज चूबी, होटल चूबी. फ्रंट इनका बड़ा ट्रेडिशनल वे में डेकोरेट किया हुआ है एंड द होटल लुक्स क्वाइट प्रिटी एंड नाइस. एक ये भी है न्यू मून गेस्ट हाउस, लुक्स नाइस, काफी ओपन है, फ्रेंडली लग रहे हैं. सामने है यति किचन.
चलते चलते जा रहा था, एक हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सर बाहर बैठे थे, तो मैं सर से पूछा ये जो डिजाइन बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं सर? इसको लद्दाखी में शिंगसक बोलते हैं। लमा शिंगसक, शिंगसक। हाँ जी, ये मोस्टली मैंने काफी घरों के बाहर देखा है। हाँ जी, तो ये ट्रेडिशनल है यहाँ का? ये ट्रेडिशनल है जी। अच्छा, ओके, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये क्या होम स्टे टाइप बन रहा है? होटल टाइप? होटल टाइप। चलो वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। शिमशक, नाइस लॉन्ग ट्रीज। गेस व्हाट, चलते चलते भी याद आया, मैं अपना वॉलेट तो अपनी जैकेट में ही भूल गया हूँ, एंड आई एम नॉट वेयरिंग माय जैकेट बिकॉज धूप अच्छी निकली हुई है। इट्स अराउंड 6 इन द इवनिंग नाउ, बट स्टिल क्वाइट अ डेलाइट। तो लेट्स सी, बिकॉज आई वांटेड टू बाय फ्यू थिंग्स। अच्छा, वो शॉप से कुछ लिया नहीं मैंने, ना बैंड बजाता। चलते हैं, आई थिंक दिस इज द पैलेस दे वर टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट शो यू। This is the palace. Let's see timings अगर पता करते हैं इसका। I think this side of the palace, front से देखने की कोशिश करते हैं front से कैसा है। Just picked up my wallet. अब वापस जा रहा हूँ दोबारा city side की तरफ। So let's go. There's a slight change in the program. पहले मैं सोच रहा था city center जाने के लिए, but I just spoke to one of my friends जो कल एक बना था, he was also a traveler from Vizag. So इवन ही हैज टू गो टू पेंगोंग एंड नूबरा। तो अभी बस स्टॉप जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं पहले बस स्टॉप जाके टिकट्स का पता कर ले, आफ्टर दैट वी गो टू द सिटी। तो हम पहले चलते हैं ले बस स्टैंड दोबारा। छोटी छोटी बायलेंस से जा रहा था, मैंने कहा बायलेंस भी क्यों ना दिखाई जाए, बिकॉज मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन ही लोग देखते हैं, बट ले की बायलेंस वगैरह भी देखना बढ़िया होगा। ये कोई रेस्टोरेंट टाइप है, नमाज के लिए है। मार्केट के लिए सीधा जाना राइट जाना? सीधा जाके टी पॉइंट से लेफ्ट। टी पॉइंट से लेफ्ट। पुराने जमाने की ऐसे वुडन शॉप्स होती थी पहले, कुछ खाने का ही बेच रहे हैं, रोटी वगैरह। बेकरी शॉप, ये सारी बेकरीज है यहाँ पे यार। यहाँ से सीधा मार्केट के लिए ही निकल आए हैं। साहिल पंजाबी ढाबा, ये मिल्क शॉप, एंड दिस इज द मेन सिटी सेंटर विच इज नॉट फार एट ऑल फ्रॉम द लोग सॉफ्टी खा रहे थे, मेरा भी मन करा सॉफ्टी खाए। यूजली अगर किसी हिल स्टेशन में जाओ तो सॉफ्टी का मज़ा अपना ही होता है, तो यहाँ से सॉफ्टी खाते देखते हैं कितने की है सॉफ्टी यहाँ पे। सर सॉफ्टी कितने की है? 50 का एक दे देंगे प्लीज। दिस इज द शॉप, थैंक यू सर। यहाँ से बस स्टैंड जाने के लिए कौन सा रूट लेना है? सीधा कहाँ से? ओके थैंक यू। दोस्तों सॉफ्ट एंजॉय करते हुए चलते हैं बस स्टैंड की ओर। बीच में छोटी कैनपीज भी लगी हुई है। लामा ब्रदर्स, अभी 7 मिनट्स वॉक है बस स्टैंड के लिए। सो आई एम जस्ट वॉकिंग एंड एंजॉयिंग द व्यू। वेदर अच्छा है, धूप तो थोड़ी है, धूप भी चली गई है, इट्स क्वाइट विंडी, नाइस ब्रीज, अच्छा लग रहा है। सो
लेट्स वॉक, मैंने कहा आपको भी थोड़े व्यूज वगैरह दिखाते रहो। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे ऐसे, सो यू विल सी स्नो कैप माउंटेन्स ओवर देयर, वो भी अच्छी चीज है। पोल्यूशन कम है बट मोस्टली डीजल कार्स यहाँ पे भी हैं, तो डीजल का पोल्यूशन तो ही है थोड़ा बहुत, अदरवाइज एयर इज क्वाइट प्योर, आई विल से नॉट वेरी प्योर बट प्योर। यस, ये मेरे को एक बर्ड दिखी थी वाइट एंड ब्लैक, बड़ी सुंदर लग रही थी, चाहे बैठी कचरे के ऊपर ही है। बस अड्डे पहुँच गया हूँ यहाँ पे, फ्रेंड ने टिकट ले ली थी 350 की, मैं आई पेड हम 350, सो लेट्स सी, पेंगोंग शुड बी एक्साइटिंग। देखें थ्री इडियट्स ने जो तहलका मचाया है, ऐसी लोकेशंस दिखा के दैट एवरीबडी वांट्स टू गो, सो हम भी जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे। एक बारी बस अड्डे से थोड़ी डिटेल्स लेनी है, वो डिटेल्स ले लेते हैं फिर चलते हैं वापस सिटी सेंटर। सामने बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, और ये बस ऑफिस है, ऑफिस प्रेमिसेस है, यहाँ से जाके आप टिकट ले सकते हैं कोई भी डेस्टिनेशन की अगर आप ले आ रहे हैं तो। एंड टिकट वॉज अराउंड 350 जो मैंने आपको पहले बताया, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यूजली कैब्स के 25,000 ले रहे हैं, ऑन शेयरिंग बेस भी अगर करता हूँ 5,000 पड़ता है। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड प्रेम फ्रॉम वाइजैक, एंड वी बोथ आर गोइंग टुगेदर टुमारो टू पेंगोंग, सो मस्ती मारते हैं वहाँ पे एंड फिर आपको दिखाते हैं आगे पेंगोंग। थ्री इडियट्स, टू इडियट्स हो गए, एक और मिल जाएगा रास्ते में। चलो, प्रेम ने स्कूटी हायर किया हुआ था, सो वी आर गोइंग टू द सिटी पहले सिटी सेंटर नाउ, क्योंकि टिकट्स का काम हो गया अपना, तो अब चलते हैं सिटी सेंटर एंड वहाँ से देखते हैं। लोकल शॉप्स यूजुअली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑन द लेफ्ट वी हैव द मेन सिटी सेंटर, साथ में डी स्मार्ट कैफे एंड शेक, सब जगह लोकल्स वही है। सर आपके एटीएम चल रहे हैं? हाँ, एटीएम जाना पड़ेगा यार। ओके, दिस इज द मेन सिटी सेंटर, लेट्स क्रॉस द रोड। एंड फ्लैग्स लगे हुए हैं, अपने एक्टिविटी फ्लैग्स हैं, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आपने क्या क्या लेना है? एक तो एटीएम जाना हम लोगों ने, हाँ मुझे एक जैकेट लेनी है, लेना है बस। सर दिस इज द मॉस्क इन द सिटी सेंटर, साथ ओ नथुस भी है यहाँ पे, वाओ, एमडो कैफे, नथुस, नथुस आई एम सरप्राइज्ड। एक द मॉस्क के साथ भी नथुस है, साथ में फिर हिमालयन कैफे भी है पास में, एंड देन फर्दर इट गोज, क्वाइट क्राउडेड, एनर्जेटिक मार्केट है। ये शॉप्स के बीच में बाइलेंस भी है, जहाँ पे यू कैन गो, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है या बाइलेंस में, एंड देयर शॉप्स ऑल्सो, मे बी क्लोथिंग शॉप्स तो दिख रहे हो, रेस्टोरेंट्स तो दिख रहे हैं थोड़े, बाकी मोस्टली बाइलेंस काफ़ी है। एंड आई थिंक बाइलेंस विल बी मच चीपर देन व्हाट द मेन सिटी सेंटर इज, बिकॉज ये पूरी टूरिस्टी प्लेस है, सो यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी एक्सपेंसिव ओवर हियर। यूजली यहाँ पे रेन होती नहीं है, मगर ब्लैक क्लाउड्स काफ़ी आए हुए हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी। ये एक ये लेन है, अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे और लेफ्ट होंगे तो भी सिटी मार्केट ही है वो भी, वे यू कैन डू योर शॉपिंग एंड ऑल, एंड ईटिंग आउटलेट्स भी काफ़ी हैं वहाँ पे। आई एम गोइंग बैक टू सिटी सेंटर, गोइंग बैक टू द हॉस्टल अभी, तो जहाँ से सॉफ्ट रिली थी वही रूट ले रहा हूँ मैं अपना। बाकी अगर ऊपर स्काई देखेंगे, स्काई इज एब्सोल्युटली ब्लू, अमेजिंग। ये मेरे को दिल्ली में कभी इतना ब्लू स्काई नज़र आया नहीं, और अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ऑपोजिट तो इट्स ऑल ब्लू एंड ब्लैक, अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। चलो चलते हैं यहाँ पे, आई थिंक 9 o'clock द शॉप्स क्लोज, सो भीड़ थोड़ी कम होती हो जा रही है, इट्स गुड इन अ वे, अच्छा है, लोग टाइम से घर जाए, फैमिली टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी बैंक्स ऑलमोस्ट सारे ही हैं यहाँ पे, यस बैंक भी दिख रहा है यहाँ पे, एक कोटक नहीं दिखा मेरे को, बाकी मोस्टली सारे दिख गए। लेट्स गो, वॉक करते करते आई जस्ट सॉ दिस शॉप झूले, झूले मीन्स हेलो इन ले लैंग्वेज, एंड देयर आर सम लद्दाखी स्पेशल
food, so why don't we go in and try? चलते हैं झूले में. Let's go. Let's go. Nice small setup they have. बड़ा ट्रेडिशनल एथनिक बनाया हुआ है. क्लासिक है. This is a small kitchen they have. This is again a sitting they have near the gate. This is khambir sandwich at Jules in the local market of city center. I hope it tastes yum. So looks nice. Finally out from Jule. This is the shop. If you want to come, then come. It's a good shop. The kawa was very nice. Kawa bahut acha tha. Aur kimba jo roti thi apni khambiri ki, that was stuffed with chicken frankfurters and some sauces and some cheese, and it was also nice. Market ab dekh rahe hain khali ho gayi hai. Yeah, I think inka clock tower hai jo upar wifi chamak raha hai. 8:40 ho gaya. So I think it's time for everybody. People to close the shops. तो हम भी चलते हैं फिर अपने हॉस्टल की तरफ. प्रॉब्लम है सर, ये अपहिल है, बैंड बजेगा. एनी वे लेट्स गो.